सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन एक नए ब्लॉग, नए वीडियो, नए कॉलेज रिव्यू में आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हाईटेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर कैंपस के बारे में रिव्यू करेंगे। ऐसे तो उड़ीसा में हाईटेक का दो कैंपस है, एक आपका भुवनेश्वर, दूसरा आपका राउरकेला में कैंपस है। तो हम भुवनेश्वर कैंपस का रिव्यू करने वाले। तो हाईटेक मेडिकल कॉलेज जो है आपका प्राइवेट, फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है आपका उड़ीसा का। इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था। कैंपस साइज की बात करो तो कैंपस आपका हॉस्पिटल सब मिला के जो कैंपस साइज एरिया है आपका 42 एकर्स में कैंपस फैला हुआ है। अगर बात करूं इसकी अफिलेशन का, अफिलेशन जो है आपका इसका उत्कल यूनिवर्सिटी से, उत्कल यूनिवर्सिटी से आपका इसका अफिलेशन है। और रिकॉग्नाइज की बात करूं तो ये आपका यूजीसी एंड आपका एनएमसी एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज कैंपस है। अगर बात करो यहाँ पर इनटेक का, तो यार यहाँ पर बात करो तो एमबीबीएस और बीडीएस दोनों कोर्स होता है, प्लस पीजी के भी कोर्सेस यहाँ पर होते हैं, एमडी एमएस। और उसके बात करो तो आपका कोर्सेज का, तो एमबीबीएस का जो इंटेक है आपका यहाँ पर 150 सीट इंटेक है यहाँ पर 150 सीट। और अगर बात करें यहाँ फैसिलिटी का, तो आपको कैंपस में ही आपको बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो हॉस्पिटल है बहुत नामी हॉस्पिटल है आपका उड़ीसा का, भुवनेश्वर का। और 24/7 आपका ये हॉस्पिटल रहता है। पैशन फ्लो की बात करो तो पैशन फ्लो आपका यहाँ बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा अगर बात करें कैंपस में हर चीज फैसिलिटी अवेलेबल है, अंदर में हॉस्टल आपका बना हुआ है स्टूडेंट के लिए। उसके अलावा अगर फीस की बात करो तो फी यार आपका देखो दो तरीके का फीस है। उड़ीसा के जो मेरिट काउंसिल से जो एडमिशन होगा उसकी फी कम होती है, और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर एडमिशन लेने की प्लानिंग है तो आपको नीट में कम से कम, अगर मैनेजमेंट कोटा से आपको एडमिशन अगर लेने की प्लानिंग है यहाँ पर, तो आपको 300 प्लस अगर मार्क्स आपका है तो आप इस कॉलेज के लिए एडमिशन देख सकते हो। तो ये बात रहा हाईटेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर कैंपस का रिव्यू। और इसके रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पर कहने को अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और किसी भाई और बहन को अगर एडमिशन में हेल्प चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए आपको काउंसलिंग में, तो आप मेरे से पर्सनली जुड़कर अपनी काउंसलिंग को भी करा सकते हैं। और चैनल बने हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ताकि आप तक मेरे ऐसे ही रिव्यू वीडियो कॉलेज आप तक पहुंचते रहे और मेडिकल अपडेट आप तक उड़ीसा का अपडेट मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।